अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आज हम लोगों ने पैसिव मूवमेंट्स वाला चैप्टर अपना स्टार्ट करना है। सबसे पहले हम देखते हैं कि पैसिव मूवमेंट्स होती क्या है। ऐसी मूवमेंट जो कि किसी भी एक्सटर्नल फोर्स के इन्फ्लुएंस की वजह से परफॉर्म हो, एक्सटर्नल फोर्स की वजह से परफॉर्म हो, उनको हम कहते हैं दीज आर द पैसिव मूवमेंट्स। अब आपने याद रखना है कि ये जो एक्सटर्नल फोर्स है ये एक असिस्टिव फोर्स होती है, एक रेजिस्टिव फोर्स नहीं होती। असिस्टिव फोर्स का क्या मतलब है कि अगर कोई फिजियोथेरेपिस्ट, अगर आप ठीक तरह से, फॉर एग्जांपल कोई जॉइंट आपका ठीक तरह से मूव नहीं कर पा रहा और एक फिजियोथेरेपिस्ट उसको पकड़ कर सपोर्ट कर मूव करवाएगा, तो वो वाली जो मूवमेंट्स होगी वो पैसिव मूवमेंट्स होगी। क्योंकि एक्सटर्नल फोर्सेस में तो हमें पता है कि हमारी बॉडी पे कंटिन्यूसली रेजिस्टेंस भी अप्लाई हो रही होती है, वो फ्रिक्शन की फोर्सेस भी अप्लाई होती है, ग्रेविटी की फोर्सेस भी अप्लाई होती है। तो आपने याद रखना है ऐसी मूवमेंट जो कि किसी भी एक्सटर्नल फोर्स की असिस्टेंस में परफॉर्म हो, उनको आप कहते हैं दीज आर द पैसिव मूवमेंट्स। ये इसकी कंप्लीट डेफिनेशन है। उसके बाद क्लासिफिकेशन देखते हैं। हम लोगों ने पैसिव मूवमेंट्स को मेनली दो क्लासेस में डिवाइड किया। एक को हमने कह दिया रिलैक्स पैसिव मूवमेंट्स और दूसरे को हमने कह दिया पैसिव मैनुअल मोबिलाइजेशन। ठीक है, पैसिव मैनुअल मोबिलाइजेशन के फर्दर मैनिपुलेशन, मोबिलाइजेशन और कंट्रोल सस्टेन स्ट्रेचिंग आती है। इस वाले पार्ट में हम कवर करेंगे रिलैक्स पैसिव मूवमेंट्स को। सबसे पहले देखिए रिलैक्स्ड का वर्ड है ना, तो यहाँ पर रिलैक्स्ड का वर्ड क्या रेफर कर रहा है कि इस मूवमेंट का मकसद क्या होगा कि हमने पेशेंट को रिलैक्सेशन इंड्यूस करानी है। ठीक है, रिलैक्स कराना है पेशेंट को, मसल को या जॉइंट को जो भी है उसको रिलैक्स कराना है। अब रिलैक्सेशन में जो भी मूवमेंट्स होती है ना, इसमें हम लोग यूजुअली कंसीडर करते हैं कि जो भी रिलैक्स मूवमेंट्स होती है वो रिदमिकल होती है। ठीक है, और रिदमिकल मूवमेंट्स कैसी होती हैं, जो कि सेम रेंज में परफॉर्म हो रही होती हैं और उनकी जो डायरेक्शन है वो बिल्कुल एक्टिव मूवमेंट की डायरेक्शन होती है, सेम एज दैट ऑफ एक्टिव मूवमेंट्स, बिल्कुल एक्टिव मूवमेंट की डायरेक्शन की तरह उनकी डायरेक्शन होती है। ठीक है, तो इनको आप कहते हैं कि ये रिलैक्सेशन इंड्यूस कराने वाली मूवमेंट्स है। और चूंकि ये एक पैसिव मूवमेंट्स है तो ये पैसिव मूवमेंट्स किसी भी एक्सटर्नल असिस्टेंस की वजह से होगी। तो ऐसी मूवमेंट जो कि रिदमिकल होती है, सेम रेंज में परफॉर्म की जाती है, सेम एज दैट ऑफ उनकी जो डायरेक्शन है वो एक्टिव मोशन की तरह होती है, तो उनको हम कहते हैं दीज आर द रिलैक्स पैसिव मूवमेंट्स। ठीक है, अब रिलैक्स पैसिव मूवमेंट्स में फर्दर एक और क्लास आती है जिसको हम कहते हैं एक्सेसरी मूवमेंट्स। एक्सेसरी मूवमेंट्स के बारे में वो लिखता है कि ये क्या होती है, नॉर्मल जॉइंट मूवमेंट्स होती है। ठीक है, नॉर्मल जॉइंट, फॉर एग्जांपल हमारा जो एल्बो जॉइंट है वो क्या कर सकता है, फ्लेक्जन एक्सटेंशन कर सकता है, तो वो उसकी एक नॉर्मल जॉइंट मूवमेंट है। अब ये जो एक्सेसरी मूवमेंट्स है वो कहते हैं कि दीज आर द नॉर्मल जॉइंट मूवमेंट बट मे बी लिमिट। ठीक है, लेकिन कुछ जॉइंट में एबनॉर्मल जॉइंट कंडीशन में ये मूवमेंट्स जो है वो लिमिटेड हो सकती है। कोई पेशेंट को इंजरी हो गई या कोई भी इशू आ गया, सॉफ्ट टिश्यू इंजरी होगी, कोई भी जॉइंट की इंजरी होगी, उसकी वजह से पेशेंट जो है वो ठीक तरह से मूव नहीं कर पा रहा अपने जॉइंट को, उसकी जो रेंज है वो क्या हो गई है, लिमिटेड हो गई है। तो इस केस में जो फिजियोथेरेपिस्ट है वो इसमें जो है वो वर्क करता है, और इसके लिए फिजियोथेरेपिस्ट को जॉइंट के एनाटॉमी का कंप्लीट नॉलेज होना चाहिए। ठीक है, तो हम लोगों ने रिलैक्स पैसिव मूवमेंट्स देखी कि क्या होती है, और फिर हम लोगों ने देखा कि एक्सेसरी मूवमेंट्स जो है वो क्या होती है। नेक्स्ट में हम देखते हैं कि रिलैक्स पैसिव मूवमेंट्स है, इनका एक प्रिंसिपल क्या होता है। सबसे पहले आपने देखना है कि पहला मकसद तो क्या है, रिलैक्सेशन करवाना। पहला प्रिंसिपल भी क्या होगा कि हमने इसकी रिलैक्सेशन करवानी है, इसका एक दूसरा वर्ड बुक में लिखा हुआ है, वो है कंफर्ट। ठीक है, पेशेंट को रिलैक्स कराना। अब रिलैक्सेशन में नंबर वन काम आपने क्या करना है कि आपने जो भी प्रोसीजर कराना है, जो भी मूवमेंट करवानी है, उसकी आपने पेशेंट को एक ब्रीफ एक्सप्लेनेशन देनी है। अब ब्रीफ एक्सप्लेनेशन देने से क्या होगा कि अक्सर पेशेंट को, फॉर एग्जांपल एल्बो फ्लेक्शन में पेशेंट को क्या हो रही है, पेन हो रही है। ठीक है, वो उसको एल्बो फ्लेक्शन ठीक तरह से परफॉर्म नहीं कर पा रहा। अब आप क्या करते हैं कि बिना कुछ कहे उसके एल्बो फ्लेक्शन कराने लग गए, तो पेशेंट क्या होगा, एकदम से वो एंशियस हो जाएगा कि ये मेरे साथ क्या होने, कि मुझे तो इसमें पेन हो रही है। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप पेशेंट को पहले से बता दें कि मैं आपकी कौन सी मूवमेंट किस तरह से कराने लगा। तो पहला स्टेप ब्रीफ एक्सप्लेनेशन। नंबर टू, आपने जो भी पोजीशन सेलेक्ट करनी है वो एक सूटेबल स्टार्टिंग पोजीशन होनी चाहिए, और सूटेबल स्टार्टिंग पोजीशन में हम लोग एक जिस चीज़ को कंसीडर करते हैं वो ये है कि पेशेंट क्लियरली उस चीज़ को देख सके, उस मूवमेंट को देख सके जो कि परफॉर्म हो रही है। उसके बाद बेयरिंग ऑफ द थेरेपिस्ट, थेरेपिस्ट का काम रहना, उसका कॉन्फिडेंस जो भी मूवमेंट परफॉर्म करा रहा है, ये चीज़ भी जो है वो पेशेंट को रिलैक्स रखती है। ठीक है, इसीलिए कहते हैं कि डॉक्टर्स नीड टू बी काम, उनको जो है वो काम रहना चाहिए। तो ये चीज़ आपने देखनी है कि रिलैक्सेशन में, कंफर्ट में, तीन चीज़ों का आपने ख्याल रखना है। ठीक है, उसके बाद आती है फिक्सेशन। अब फिक्सेशन क्या होता है, समटाइम्स क्या होता है कि हमारा अगर एक जॉइंट ठीक तरह से मूव नहीं कर पा रहा, ठीक है, तो उसकी मूवमेंट जो है वो कोई और जॉइंट ओवरकम कर लेता है, और ये मसल्स में भी हम यूजुअली ये कॉन्सेप्ट यूज़ करते हैं, मसल में हम इसको ट्रिक मूवमेंट्स का कॉन्सेप्ट कहते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आपने यहाँ पर कंसिडर करनी है कि अगर कोई जॉइंट ठीक तरह से मूव नहीं कर पा रहा, या अगर मैंने फॉर एग्जाम्पल मैं शोल्डर जॉइंट की फ्लेक्शन को टेस्ट कर रही हूँ, मैंने शोल्डर जॉइंट की फ्लेक्शन को इम्प्रूव करना है, तो इस केस में क्या होता है कि हम लोगों ने स्कैपुला को फिक्सेट करना होता है कि मूवमेंट जो है वो शोल्डर पर लोकलाइज रहे, एक पर्टिकुलर जॉइंट जिसको आप मूव करवा रहे हैं वहाँ पर जो मूवमेंट है वो लोकलाइज रहे, तो इसीलिए फिक्सेशन हम करते हैं। अब फिक्सेशन किसकी करते हैं, बोन लाइज प्रॉक्सिमल टू द जॉइंट इज फिक्स्ड।
ठीक है, जो ज्वाइंट मूव करवा रहे हैं उसकी जो प्रॉक्सिमल बोन पड़ी हुई है वो क्या होनी चाहिए, फिक्स्ड होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर आप शोल्डर ज्वाइंट की मूव करवा रहे हैं तो आप किसको करेंगे, शोल्डर ज्वाइंट की अगर आप मूवमेंट करा रहे हैं तो आप स्कैप्यूला को करेंगे। इसी तरह अगर आप एल्बो ज्वाइंट की करा रहे हैं तो आप शोल्डर को फिक्सेट करेंगे, ठीक है। उसके बाद आता है सपोर्ट। आप जो भी मूवमेंट करवा रहे हैं, ये मैंने आपको शुरू में पैसिव मूवमेंट्स की डेफिनेशन में बताया था कि फिजियोथेरेपिस्ट अपनी सपोर्ट से असिस्टेंस में मूवमेंट परफॉर्म कराता है। तो जो भी लिम्ब है जिसको मूव करवाया जा रहा है उसको सूटेबल सपोर्ट आपने देनी है। नंबर टू, आपने जिस बात का ख्याल रखना है वो ये है कि समटाइम्स कोई हैवी लिम्ब होता है जिसको लिफ्ट नहीं किया जा सकता। फॉर एग्जाम्पल आप ट्रंक की बात करें हैं या आप लोअर लिम्ब की बात करें हैं, हैवी लिम्ब्स अगर आप नहीं कर सकते तो उसके लिए सपोर्ट देने के लिए आप डिफरेंट जो है वो स्प्लिंट्स या सस्पेंशन स्लिंग्स वगैरह यूज़ कर सकते हैं। यूजुअली सपोर्ट जो है अगर छोटे लिम्ब्स हैं तो फिजियोथेरेपिस्ट अपने हैंड से देता है। उसके बाद हम देखते हैं कि ट्रैक्शन क्या होती है। बेसिकली क्या होता है, हमारे ये जो फॉर एग्जांपल ये एक जॉइंट है बना हुआ है और इसके दो ये जो है वो इसके आर्टिकुलर सर्फेसिस हैं, ठीक है। अगर आप इन आर्टिकुलर सर्फेसिस को कुछ इस तरह से स्ट्रेच करें, स्ट्रेच किस तरह से करें, बुक की वर्डिंग में लॉन्ग एक्सिस में अगर आप जो है वो दो जॉइंट को स्ट्रेच करेंगे तो इनके जो सेंटर में ये जो आर्टिकुलर सर्फेसिस है ये क्या हो जाएंगी, ड्रान अपार्ट हो जाएंगी, ठीक है। आर्टिकुलर सर्फेसिस ड्रान अपार्ट हो जाएंगी। ट्रैक्शन का बेसिक मकसद क्या होता है कि लॉन्ग एक्सिस ऑफ द बॉडी में, लॉन्ग एक्सिस ऑफ द जॉइंट में आप एक चीज़ को स्ट्रेच करें जिसकी वजह से जो उसकी आर्टिकुलर सर्फेसिस हैं वो क्या हो जाए, ड्रान अपार्ट हो जाए, तो उसको आप कहते हैं दिस इज ट्रैक्शन। अब ट्रैक्शन का फायदा क्या होता है, आमतौर पर मूवमेंट परफॉर्म हो रही होती है और अगर कोई जॉइंट ठीक नहीं होता तो उसके अंदर जो फ्रिक्शन है ना वो ज़्यादा हो जाती है। तो ये क्या करता है, इंट्रा आर्टिकुलर फ्रिक्शन, क्योंकि दो ज्वाइंट सर्फेसिस हमने कहा कि ड्रान अपार्ट हो गई हैं, एक दूसरे से दूर हो गई है, तो ये जो इंट्रा आर्टिकुलर फ्रिक्शन है ये क्या हो गई है, कम हो गई है, और जिसकी वजह से मूवमेंट जो है वो इजीली परफॉर्म हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन आता है कि रेंज किस तरह की होनी चाहिए। अब उसने कहा है कि रेंज बिल्कुल आप नॉर्मल जिस तरह आपके ज्वाइंट की रेंज ऑफ मोशन होती है आपने वो करवानी है, लेकिन आपने यहाँ पर ख्याल रखना है कि द रेंज ऑफ द मोशन इज एज फुल एज द कंडीशन ऑफ द ज्वाइंट परमिट्स विदाउट इलिसिटिंग पेन। मतलब पेन पेशेंट को नहीं होनी चाहिए जो भी मूवमेंट आप कराने। फॉर एग्जांपल एल्बो फ्लेक्शन की नॉर्मल रेंज है 0 to 180 degrees, ठीक है। इस केस में आपने क्या करना है, 0 to 90 degrees तक अगर एक पेशेंट ठीक तरह से मूव कर रहा है ना तो आपने स्टार्टिंग में 0 to 90 degrees तक ही मूव करवानी है। 90 से आगे अगर पेशेंट को पेन हो रही है तो आप वहाँ नहीं लेके जाएंगे विदाउट इलिसिटिंग पेन। जितनी जॉइंट नॉर्मल परमिट कर रहा है उतनी रेंज आपने करानी है, बिकॉज दीज आर रिलैक्स पैसिव मूवमेंट, हम लोगों ने पेशेंट को बिल्कुल रिलैक्स रखना है। उसके बाद स्पीड एंड ड्यूरेशन। रिलैक्सेशन का पहला असूल होता है कि जो भी मूवमेंट आप करवा रहे हैं वो फेयरली स्लो हो, उसकी जो यूनिफॉर्म स्पीड हो, मतलब थ्रू आउट द मूवमेंट स्पीड जो है वो उसकी एक जैसी रहे, मूवमेंट जो है वो रिदमिकल हो, और उसके बाद आपने यहाँ पर याद रखना है कि फ्रीक्वेंसी और ड्यूरेशन ऑफ द मूवमेंट। फ्रीक्वेंसी कहते हैं कि कितनी दफ़ा मूवमेंट करवानी है, तो ये डिपेंड कर रहा होता है कि आपका बेसिक पर्पज़ क्या है, जो भी आपका पर्पज़ है उस पर डिपेंड कर रहा होता है कि कितनी देर तक आपने कितने टाइम तक कौन सी मूवमेंट परफॉर्म करवानी है, ठीक है। उसके बाद इसके इफेक्ट्स एंड यूजेस हैं। नंबर वन क्या है कि ये रेंज को इम्प्रूव करता है, और यहाँ पर हम दूसरी इसकी हेडिंग यूज़ कर सकते हैं कि ये एडहेजन फॉर्मेशन को जो है वो प्रिवेंट करता है। क्या होता है कि अगर हमारा कोई जॉइंट काफ़ी अरसे तक ख़राब है ना तो वो मूव नहीं कर रहा होता, तो उसके अंदर जो सॉफ्ट टिश्यूज़ होते हैं ना वो क्या होना शुरू हो जाते हैं, हार्डन होना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। अब जब सॉफ्ट टिश्यू हमारे हार्डन होना शुरू हो जाते हैं तो उस चीज़ को हम कहते हैं कि यहाँ पर एडहेजन फॉर्म हो गया। तो अगर आप पैसिवली एक जॉइंट, अगर एक्टिवली पेशेंट नहीं भी मूव करवा रहा तो आप उसको पैसिवली मूव करा सकते हैं, खुद मूव करवा सकते हैं, ताकि कम से कम जॉइंट मूव होता रहे तो जो उसमें एडहेजन फॉर्मेशन है ये प्रिवेंट हो जाती है, और एडहेजन फॉर्मेशन के प्रिवेंट होने की वजह से जो उसकी रेंज है जॉइंट की वो मेंटेन रहती है। उसके बाद मेमोरी ऑफ द मूवमेंट्स। हमारा ब्रेन भी जिस तरह अगर हम बहुत देर तक किसी चीज़ को रिवाइज नहीं करते ना और हमें भूल जाती है, इसी तरह मूवमेंट्स भी यही होती है। अगर पेशेंट ठीक तरह से काफ़ी टाइम तक मूवमेंट नहीं परफॉर्म कर रहा तो उसकी मूवमेंट जो है वो उसकी मेमोरी लॉस हो जाएगी। तो जब आप पैसिवली उसको मूवमेंट करवा रहे हैं और इस तरह की पोजीशन में मूवमेंट करवा रहे हैं, स्टार्टिंग पोजीशन में मैंने आपको बताया भी कि हम लोग किस तरह की स्टार्टिंग पोजीशन जो है वो, यहाँ पर मैंने आपको बताया भी था कि हम किस तरह की स्टार्टिंग पोजीशन चूज़ करते हैं, तो मेमोरी जो है उसमें पेशेंट की इस तरह की होनी चाहिए कि वो अपनी मूवमेंट को देख रहा है, उसके दबाव को पता चल रहा है कि हाँ ये मूवमेंट इस तरह से परफॉर्म होनी है। तो जो मेमोरी ऑफ द मूवमेंट है वो इस कंडीशन में क्या रहती है, प्रिजर्व रहती है। उसके बाद एक्सटेंसिबिलिटी। एक्सटेंसिबिलिटी जब आप जॉइंट की स्ट्रेचिंग करा रहे होते हैं, पैसिवली आप एक मसल को मूव करवा रहे होते हैं, तो उसकी एक्सटेंसिबिलिटी मेंटेन रहती है, जिसकी वजह से उसकी अडैप्टिव शॉर्टनिंग जो है, अडैप्टिव शॉर्टनिंग कहते हैं कि अगर एक मसल बहुत देर तक मूव नहीं करवा पड़ा तो उसकी जो है वो आहिस्ता आहिस्ता शॉर्टनिंग होना स्टार्ट हो जाती है, वो उसके जो स्ट्रक्चर है वो हार्डन होना शुरू हो जाता है और साथ में शॉर्टनिंग हो जाती है। तो इसलिए अडैप्टिव शॉर्टनिंग जो है वो इस केस में उसको जो है वो प्रिवेंट किया जा सकता है, ठीक है। उसके बाद लास्ट पे कि वेनस और लिम्फेटिक रिटर्न जो है वो इसके अंदर जो भी जॉइंट है उसके अंदर मूव अच्छा हो जाता है, अगर आप उसको पैसिवली मूव करवा रहे हैं तो ये चीज़ बेहतर होती जाती है। और फिर साथ साथ अगर आपने फॉर एग्जांपल उसके अंदर ऑक्सीजन का रिटर्न भी बेहतर होगा, ये आपने एक्टिव मूवमेंट वाले चैप्टर में पढ़ा भी होगा कि क्या फ्री मूवमेंट्स जो है उन मूवमेंट करवाते हैं तो जॉइंट के अंदर जो ब्लड फ्लो है या मसल के अंदर ब्लड फ्लो है वो इंप्रूव होता जाता है। तो इसी तरह इसका वेनस और लिम्फेटिक रिटर्न जो है वो टिश्यूज़ के अंदर बेहतर होगा। उसके बाद रिलैक्सेशन, जो कि हम लोग उसका नाम से शुरू में पता चल गया कि दीज आर द रिलैक्स पैसिव मूवमेंट्स, तो इसमें रिलैक्सेशन तो ऑब्वियसली इंड्यूस होगी होगी बिकॉज दीज आर रिदमिकल मूवमेंट्स, ठीक है।
उसके बाद नेक्स्ट में हम लोग देखते हैं कि असेसरी मूवमेंट्स के क्या इफेक्ट्स एंड यूजेस होते हैं। प्रिंसिपल ऑफ द इफेक्ट्स असेसरी मूवमेंट में वो यही लिखता है कि इसमें सारी की सारी टेक्निक द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ रिलैक्सेशन एंड फिक्सेशन अप्लाई टू द असेसरी मूवमेंट इज दैट ऑफ द रिलैक्स पैसिव मूवमेंट। बिल्कुल इसी तरह का बेसिक प्रिंसिपल जो है वो आपने पेशेंट पे अप्लाई करने, जो कि सारे प्रिंसिपल हम लोगों ने यहाँ पर अप्लाई किया, ठीक है। और इसके बाद इसके इफेक्ट्स एंड यूजेस है, और उसमें वो कहते हैं कि सबसे पहले कि नॉर्मल जो जॉइंट फंक्शन है उसको कंट्रीब्यूट करती है, बिकॉज हमने पढ़ा ये नॉर्मल जॉइंट मूवमेंट है। अगर एक जॉइंट ठीक तरह से मूव नहीं कर पा रहा तो ये जो एसेसरी मूवमेंट्स अगर आप करवाते जाते हैं तो ये उसमें हेल्पफुल होती है उस जॉइंट के फंक्शन को मेंटेन करने के लिए। उसके बाद वो कहते हैं कि जॉइंट की जो रेंज ऑफ मोशन अगर लॉस्ट हो गई है, फॉर एग्जांपल अगर मैं 0 to 90 degrees की यहाँ पर मैंने बात की कि 0 to 90 degrees तक पेशेंट ठीक तरह से मूव करवा रहा है, लेकिन 90 से आगे वो मूव नहीं कर पा रहा, ठीक है। तो आहिस्ता आहिस्ता क्या होगा, 0 to 90 तक आप मूव करवाते जाएंगे, फिर आहिस्ता आहिस्ता जब आप पेशेंट थोड़ा बेहतर होगा आप 0 to 100 तक आ जाएंगे, फिर 100 to 110 तक आ जाएंगे। तो आहिस्ता आहिस्ता जो जॉइंट की एक लॉस्ट रेंज ऑफ मोशन थी ना, वो असेसरी मूवमेंट्स में जो है वो क्या हो जाएगी, उसकी वजह से इंप्रूव हो जाएगी। और फिर जॉइंट मोबिलिटी तो ऑब्वियसली इसके अंदर इंप्रूव होगी, बिकॉज आप एक जॉइंट को कंटिन्यूसली मूव करवाते जा रहे हैं तो वो चीज़ में इंप्रूव हो जाएगी, ठीक है। तो ये एसेसरी मूवमेंट्स का एक बेसिक प्रिंसिपल पड़ा। बुक से देखते हैं हम लोगों ने क्या क्या कवर किया। हमने देखा कि पैसिव मूवमेंट्स क्या होती है, इनकी डेफिनेशन देखी, उसके बाद हम लोगों ने रिलैक्स पैसिव मूवमेंट्स और एसेसरी मूवमेंट्स को कवर किया। देन हम लोगों ने रिलैक्सेशन, रिलैक्स पैसिव मूवमेंट्स के सारे प्रिंसिपल, रिलैक्सेशन, फिक्सेशन, सपोर्ट, ट्रैक्शन, रेंज, ये सब चीज़ें कवर की। उसके बाद स्पोर्ट्स एंड ड्यूरेशन वाला कवर किया, और उसके बाद यहाँ पर हम लोगों ने इनके इफेक्ट्स एंड यूजेस, और यहाँ तक हम लोगों ने कवर कर लिया एसेसरी मूवमेंट्स को इंक्लूड करते हुए, ठीक है।